गुड मॉर्निंग एवरी वन, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सैंड फिल्टर। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे टर्बिडिटी और बैक्टीरिया हम रिमूव करते हैं थ्रू द रैपिड सैंड फिल्टर के थ्रू। फर्स्ट जो था अपना वो स्लो सैंड फिल्टर था, जिसमें हमारा जो एरिया है वो 100 to 2000 मीटर स्क्वायर एरिया पे हम कंस्ट्रक्ट करते थे स्लो सैंड फिल्टर। बट यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट हमको लेस है एरिया की, तो क्या करते हैं हम कम एरिया पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर जो है जनरली 10 to 90 मीटर स्क्वायर पे हम बना सकते हैं और वाटर जो है प्यूरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 6 वॉल्व लेते हैं। पहला है वॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। और इसका प्रोसीजर सेम है जैसे सैंड फिल्टर में होता है। यहाँ पे हम इनलेट चैम्बर है, सैंड और ग्रेवर का लेयर प्रोवाइड किए हैं, एक एयर कंप्रेसर यूनिट है और एक वाटर स्टोरेज टैंक है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, स्लो सैंड फिल्टर में हम बैकवॉशिंग का प्रोसेस नहीं था, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में क्या करते हैं हम बैकवॉशिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर अब देखते हैं। सबसे पहले जो कॉन्गुलेशन एंड सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर आता है उसको हम वॉल्व 1 ओपन करेंगे और वाटर जो है इस इनलेट चैम्बर पे लाते हैं। अराउंड 1.2 मीटर हाइट पे वाटर स्टोर करते हैं और ये जो वाटर है सैंड और ग्रेवल के थ्रू पास होता है। यहाँ पे सैंड और ग्रेवल जो है 3 लेयर में प्लेस करते हैं। सबसे पहले फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर सैंड, देन उसके बाद ग्रेवल होगा, फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल। उसके बाद ये प्लेस होने के बाद वाटर जो है धीरे धीरे सैंड एंड ग्रेवल से पास होगा, दैट मीन सीपेज होगा। उसको यहाँ पे जो लेटरल ड्रेन्स और स्ट्रेनर जो है वो कलेक्ट करेंगे। वाटर कलेक्ट करने के बाद जो वाटर है इस मेन ड्रेन से होते हुए वॉल्व नंबर 4 को ओपन करेंगे, जहाँ से हम फिल्टर वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर में कौन सा यूज़फुल हुआ है, वॉल्व नंबर 1 और वॉल्व नंबर 4। 1 से हम वाटर इनलेट किए हैं एंड 4 से आउटलेट, मतलब उसको स्टोर किए हैं वॉल्व नंबर 4 से, ठीक है। तो इस टाइप से हम प्यूरिफिकेशन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूसली 48 आवर तक हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो वाटर जो है हमको प्रॉपर प्यूरीफाई नहीं मिल पाता है, मतलब कुछ अमाउंट में इसमें बैक्टीरियस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं इसको हम वॉश करते हैं, दैट मीन्स ये पूरा टैंक जो है वॉश होगा थ्रू द बैक वॉशिंग। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं वॉल्व 1 और 4 को क्लोज करते हैं एंड एयर कंप्रेसर का यूनिट का यूज़ करते हैं। अगर इसमें बैक्टीरिया या इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट पे है तो डायरेक्ट एयर कंप्रेसर प्रोवाइड करते हैं वॉल्व 5 ओपन करके। लेकिन अगर मीडियम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं तो वॉल्व 5 को क्लोज करते हैं और ऑलरेडी वाटर जो फ्रेश वाटर हम इस टैंक में स्टोर किए हैं इसका यूज़ करते हैं। इस वॉल्व 6 को ओपन करेंगे और वॉश वाटर प्रोवाइड करते हैं इस टैंक के थ्रू, जहाँ पे स्ट्रेनर और ड्रेनर जो है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होती है इस इनलेट चैम्बर्स के थ्रू आउटलेट होती है और आउट होने के बाद वॉल्व नंबर 2 के थ्रू ये वॉश वाटर ग्रेडर में कलेक्ट होती है। इसमें स्ट्रेनर और लैटरल्स का यूज़ ये है कि ये सैंड और ग्रेवल के पार्टिकल्स को एक्सपांड करता है और जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद ये जो है वॉल्व नंबर टू से जाके वॉश वाटर ग्रेडर में कलेक्ट हो जाती है। तो ये प्रोसीजर हम कंटिन्यूसली करते हैं जिससे कि बैक वॉशिंग जो है क्लियर हो जाता है और अपना टैंक जो है फिर से यूज़फुल हो जाता है। अब बैक वॉशिंग का प्रोसेस होने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वॉल नंबर 1 से वाटर रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है ये जो है वाटर जो है मेन ड्रेन्स के थ्रू फिर से वॉल नंबर 4 से हम फिल्टर वाटर टैंक में कलेक्ट करते हैं।